नमस्कार दोस्तों, एक चाइनीज एआई डीपसीक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकन टेक कंपनीज और यूएस स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा हो। The release of DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. बात है असल में 20 जनवरी 2025 की। एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया। इसका नाम था DeepSeek R1 और इसके साथ ही इन्होंने अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इनका ये चैटबॉट अभी तक के दुनिया के सबसे एडवांस चैटबॉट से मैथ्स और रीजनिंग जैसे कई बेंचमार्क्स में बेहतर है। यानी कि ओपन एआई का चैट जीपीटी ओवन मॉडल, मेटा का लामा, गूगल का जेमिनाई एडवांस्ड, सबको एक ही झटके में इसने पीछे छोड़ दिया। डीपसीक परफॉर्मेंस में इन सबसे बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है और इसे बनाने में इन सबसे कम समय और कम पैसा लगा था। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसे इस्तेमाल करना आपके लिए, हम सबके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं दूसरी तरफ ओपन एआई अपने चैट जीपीटी ओवन प्रो मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए $200 पर मंथ चार्ज कर रहा है। इतना ही नहीं, इसको ट्रेन करने की कॉस्ट सिर्फ $5.6 मिलियन रिपोर्ट करी जा रही है। वहीं दूसरी अमेरिकन कंपनी, चाहे ओपन एआई हो, मेटा हो या गूगल हो, वो सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाने के लिए। इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ ही समय पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि क्या चैट जीपीटी जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स इंडिया में इंडियंस भी बना सकते हैं, but if you want to build foundational models, how should we think about that with, you know, not 100 million but let's say 10 million could actually build something truly substantial, तो उन्होंने बड़े arrogantly जवाब दिया था कि हमारे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, आप कोशिश कर सकते हो लेकिन hopeless होगा। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models, you shouldn't try and it's your job to like try anyway. आज सैम शायद खुद होपलेस फील कर रहे होंगे, क्योंकि डीपसीक के लॉन्च होने के एक ही हफ्ते बाद अमेरिका में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर डीपसीक सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है, चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ देती है। अगले दिन इंडिया और बाकी देशों में भी ये ऐप स्टोर पर नंबर वन ऐप बन जाती है। और 27 जनवरी तक आते आते अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मच जाता है। The launch of DeepSeek, which is a Chinese-built chatbot, immediately rattled investors and wiped a staggering $1 trillion off the US tech index. DeepSeek के आने से पहले दुनिया की सबसे valuable कंपनी थी NVIDIA, इसकी valuation $3.5 trillion की थी, लेकिन एक ही दिन में ये गिरकर $2.9 trillion रह गए। ये कंपनी कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है उन कंप्यूटर चिप्स को बनाने में जिन्हें एआई को ट्रेन और ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एनवीडिया के शेयर्स एक ही दिन में 17% गिर जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन $589 बिलियन गिर जाती है। आज तक के इतिहास में किसी भी कंपनी को एक ही दिन में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। यूएस टेक कंपनीज का बेंचमार्क नास्डाक भी 3.1% नीचे गिर जाता है, लेकिन स्पेशली यहाँ पर एनवीडिया को ही इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है जिसकी आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि डीपसीक के पीछे की क्या कहानी है, ये एआई कहां से आया और क्यों इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। डीपसीक को बनाने का क्रेडिट जाता है एक 40 साल के चाइनीज एंटरप्रेन्योर लियांग वेनफेंग को। इनका चेहरा गौर से देखिए, क्योंकि इनका चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं देता। इन्होंने टिल डेट बहुत बहुत कम पब्लिक अपीयरेंसेस की हैं और ये अपनी आइडेंटिटी को काफी छुपा कर ही रखते हैं। इनकी लाइफ और हिस्ट्री के बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि 2015 में इन्होंने हाई फ्लायर नाम का एक हेज फंड बनाया था जो मैथमेटिक्स और एआई का इस्तेमाल करता था इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। 2019 में इन्होंने हाई फ्लायर एआई की फाउंडेशन करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन मई 2023 की बात है, इन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल किया जो पैसा ये अपने हेज फंड से कमा रहे थे एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, एक एआई मॉडल बनाने का। लियांग का कहना था कि ये अपना खुद का एक एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के सारे एआई मॉडल से बेहतर हो, और इसके पीछे कारण था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना इनका कारण नहीं। इस एआई मॉडल को बनाने के लिए इन्होंने जब अपनी रिसर्च टीम इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसमें इंजीनियर्स को हायर नहीं किया, इंजीनियर्स की बजाय इन्होंने चाइना की टॉप यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों का इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर कुछ चंद मिलियन डॉलर्स खर्च करके इन्होंने लॉन्च किया डीपसीक R1 मॉडल। It's super impressive. I think we should take the development out of China very, very
seriously. DeepSeek just taught us that the answer is less than people thought. You don't need as much cash as we once thought. इसको बनाने में सिर्फ 200 लोग इन्वॉल्व थे और 95% लोगों की उम्र 30 साल से कम की थी. इसे कंपेयर करो ओपन एआई जैसी कंपनी से जिसने 3500 से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं. आज के दिन DeepSeek चाइना की इकलौती एआई फर्म है जिसमें बायडू, अलीबाबा और बाइट डांस जैसे टेक जायंट्स का पैसा नहीं लगा है. अब इसके आर्किटेक्चर को भी समझना यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है. DeepSeek जो है ये एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है, ठीक ओपन एआई के चैट जीपीटी ओवन मॉडल की तरह. वो भी एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है. यहाँ पर ये जो नेमिंग है ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि चैट जीपीटी ने बड़े ही अजीबोगरीब नाम रखे हैं अपने मॉडल्स के, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं. तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, चैट जीपीटी में सबसे पहले पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था GPT-3. ये नवंबर 2022 में हुआ था और फिर मार्च 2023 में इन्होंने GPT-4 लॉन्च किया जो कि काफी बेहतर था GPT-3 के मुकाबले. फिर मई 2024 में आया GPT-4o जो कि GPT-4 का एक मल्टी मॉडल वर्जन था. इसमें आप ना सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू इससे बात कर सकते थे बल्कि आप इससे बोलकर भी बात कर सकते थे, आप इसे फोटोज भी भेज सकते थे, ये फोटोज को समझ भी सकता था और फोटो जनरेट भी कर सकता था आपके लिए. यहीं से ही नाम आता है मल्टी मॉडल. फिर 12 सितंबर 2024 को ओपन एआई लॉन्च करता है अपना O1 मॉडल. ये पहला मॉडल था जो चेन ऑफ थॉट पर आधारित था, यानी जब आप इससे सवाल पूछते थे तो ये सोचता था जवाब देते वक्त. और सोचने का मतलब यहाँ पर है जब भी ये अपना कोई जवाब जनरेट करता था तो उसे आपको परोसने से पहले ये खुद से काउंटर क्वेश्चन करता था कि क्या यही जवाब मुझे यूजर को देना चाहिए या इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है. एक जवाब को कई एंगल से देखता था और फिर आपको जवाब देता था. इसी चीज को चेन ऑफ थॉट कहा जाता है और इंसानों के रीजनिंग प्रोसेस को ये कॉपी करने की कोशिश है. एग्जांपल से समझाऊं, अगर आप चैट जीपीटी 4o से पूछते हो 9.11 एंड 9.9 व्हिच वन इज बिगर, वो सीधा बिना सोचे समझे जवाब दे देता है 9.11 इज बिगर देन 9.9 जो कि गलत जवाब है. लेकिन यही चीज जब चैट जीपीटी O1 से पूछते हो तो वो सोचता है, जब अपना जवाब आपको देने से पहले अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करता है कि क्या ये सही जवाब है सही में. मेरे केस में 18 सेकंड तक ये सोचता रहा लेकिन जवाब जो आया वो सही आया, 9.9 असल में बिगर है. यही चीज आप DeepSeek से भी पूछोगे तो सही जवाब आएगा. पुराने जो AI मॉडल्स थे उनकी ये एक बहुत बड़ी कमी थी लेकिन चेन ऑफ थॉट प्रोसेस ने इस कमी को अब सुधार दिया है. यही कारण है कि O1 और DeepSeek जैसे मॉडल्स को एडवांस्ड रीजनिंग मॉडल्स कहा जाता है. ये लॉजिकली जवाब देने में कहीं ज्यादा बेहतर है. DeepSeek के बारे में और भी अच्छी चीज ये है कि वो और भी डिटेल में आपको दिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप वो एग्जैक्टली क्या सोच रहा है जवाब देने से पहले. जैसे मैंने इससे ये सवाल पूछा, गिव मी वन ट्रूली ओरिजिनल इनसाइट अबाउट ह्यूमंस, तो सोचना शुरू करता है ओके लेट मी थिंक ऑफ समथिंग दैट मेक्स ह्यूमंस यूनिक. लेकिन फिर अपने आप से काउंटर क्वेश्चन करता है, बट दोज आर प्रीटी वेल नोन. यूजर को कुछ ओरिजिनल चाहिए होगा, शायद मुझे सोचना चाहिए कि ये ट्रेट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेड तरीकों से. और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अगर आप इसके आंसर को देख रहे हो, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो किसी भी पॉइंट पर, आप नोटिस करोगे कि ये अलग अलग एंगल से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है. आप देखते रह सकते हो स्क्रीन पर कि कितनी देर तक ये सोच रहा है और कितनी सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ये कंसिडर कर रहा है इसका एक्चुअल जवाब आने से पहले. बहुत सोच समझ कर इसका जवाब आता है कि इंसान इकलौती स्पीशीज है जो स्टोरी टेलिंग को एक कॉग्निटिव एक्सोस्केलेटन की तरह इस्तेमाल करते हैं. लेकिन यही सवाल जब चैट जीपीटी 4 से पूछा गया उसका जवाब इंस्टेंटली आता है, ज्यादा सोचा नहीं, जो चीज पहले आई उसे बता दिया. इसी तरीके से अगर आप इन पुराने चैटबॉट्स को एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करने को बोलोगे तो ये तुरंत आपको नंबर सेलेक्ट करके दे देंगे. लेकिन चेन ऑफ थॉट वाले मॉडल से अगर आप ये करने को बोलोगे तो इसमें भी वो काफी समय तक सोचते रहते हैं. ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए, बेचारा DeepSeek इसी बात में उलझ गया है कि कौन सा नंबर दिया जाए. क्या मैं कोई कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला नंबर दे दूं या फिर 0 या 1 के बीच में कोई नंबर दूं. मैं 42 कह सकता हूं लेकिन वो कहना शायद क्लिशे होगा, या फिर मैं 17 या 73 चूज कर सकता हूं. क्या मैं 1 से 100 के बीच में ही नंबर सेलेक्ट करूं या उस रेंज के बाहर जाऊं, क्योंकि यूजर ने तो कंप्लीटली रैंडम कहा है. अगर मैं वो करूंगा तो ये कंप्लीटली रैंडम नहीं होगा, बिल्कुल एक ओवर थिंक करने वाले इंसान की तरह. लेकिन फाइनली जब ये जवाब देता है तो ये भी कहता है कि मैंने अपनी तरफ से सोचा कि 1 से 100 की रेंज रख ली जाए और फिर मैंने 42 का नंबर चुना. वैसे अगर आप इसी तरीके से और इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं इन AI चैटबॉट्स के बारे में और अपने आप को इस फील्ड में अपस्किल करना चाहते हैं तो मैंने पूरा 8.5 घंटे का AI चैटबॉट्स को मास्टर करने का कोर्स बनाया है. पहले 2 चैप्टर्स थियोरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं, बाकी के 6 चैप्टर्स प्रैक्टिकल एडवाइस पर. स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स घर में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है,
लेटेस्ट लेसन्स में मैं आपको इसमें चैट जीपीटी विजन्स, इमेज जनरेशन डैली 3 के साथ एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स और खुद के जीपीटीज क्रिएट करना भी सिखाता हूँ। 8.5 घंटे का एक कोर्स है जिसमें सब बताया गया है A to Z जो आपके लिए जानना जरूरी है। और अब आप डीपसीक डाउनलोड करके डीपसीक को भी अपनी फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि फंक्शनली देखा जाए तो ये सारे AI चैटबॉट्स एक ही तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा और रेगुलर अपडेट्स भी इस कोर्स में ऐड किए जाएंगे, लेकिन आपको ये सिर्फ एक बार खरीदना है। बाकी सारे अपडेट्स फ्यूचर के लिए आपके लिए हमेशा फ्री रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल करें DEEP46, इस पर 46% ऑफ पाने के लिए DEEP46 जरूर जाकर चेकआउट करना। और अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो डीपसीक के रिलीज होने के बाद डीपसीक का सबसे बड़ा नुकसान जो बताया जा रहा है वो है इसकी सेंसरशिप। चाइनीज सरकार और पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप इससे कोई भी क्रिटिकल सवाल पूछोगे, जैसे कि 1989 में चाइना में तियानेनम स्क्वायर पर क्या हुआ था, जी जिनपिंग के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, क्या ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना को ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पर क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, इन सभी सवालों पर डीपसीक का एक ही जवाब आएगा, सॉरी। सॉरी मुझे इस तरह के सवाल का जवाब कैसे देना है ये इस बारे में मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। इसकी बजाय मैथ, कोडिंग और लॉजिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसी डीपसीक से दुनिया के किसी भी और वर्ल्ड लीडर को क्रिटिसाइज करने के बारे में पूछ लो, चाहे जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या पुतिन, तो ये जवाब काफी डिटेल में देता है। असल में बात क्या है कि चाइना में जितने भी AI मॉडल्स बनते हैं उनसे करीब 70,000 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं टेस्ट के तौर पर, ये चेक करने के लिए कि वो पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों के सेफ आंसर्स देगा या नहीं। और इसी के बाद ही होता है कि ये सारे चाइनीज AI मॉडल्स ऐसे सवालों पर कोई जवाब ही नहीं देते। चाइना का चीफ इंटरनेट रेगुलेटर साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना इन्हें टेस्ट करने का ये काम करता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि हमें इसे पूरी तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए क्योंकि इसके जवाबों में सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा भरा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है दोस्तों कि डीपसीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है लोकली। एक तो तरीका हो गया कि आप इस डीपसीक का इस्तेमाल करो ऐप स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर इसकी ऐप को डाउनलोड करके, लेकिन दूसरा तरीका है आप इसका पूरा का पूरा कोड ही डाउनलोड कर लो और लोकली अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आप इस AI को रन कर लो। ऐसा करने पर आप इसका कोड बदल भी सकते हो और खुद से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से। बाकी अमेरिकन कंपनीज ये ऑलरेडी करने लग चुकी हैं, जैसे कि परप्लेक्सिटी AI है, इन्होंने डीपसीक R1 मॉडल को खुद से डाउनलोड किया, उससे सारी सेंसरशिप हटाई और परप्लेक्सिटी के अंदर आप R1 मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेम चीज माइक्रोसॉफ्ट ने भी करी, 29 जनवरी के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, अज्योर A1 फाउंड्री के अंदर डीपसीक R1 मॉडल अवेलेबल है और इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही कोपायलट के अंदर भी आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसीलिए क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चाइनीज होने के बावजूद भी डीपसीक को बड़े ट्रस्ट की नजर से देखा जा रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया है अमेरिकन कंपनीज पर, ओपन AI जैसी कंपनीज जिन्होंने अपने नाम में ही ओपन रखा था, क्योंकि शुरुआत में जब ये कंपनीज बनी थी इन्होंने कहा था हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, सब कुछ ओपन सोर्स रखेंगे, लेकिन असलियत में इन्होंने ऐसा नहीं किया। इलॉन मस्क ने ट्रोल करते वक्त ओपन AI को अक्सर क्लोज्ड AI कहा है और आज ये चाइनीज AI ज्यादा ओपन हो गया है ओपन AI से। एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा टॉप AI चैटबॉट्स के बीच में जो आज के दिन मौजूद हैं। ओपन AI का ChatGPT, एक एंथ्रोपिक कंपनी है उसका क्लाउड है, गूगल का जेमिनाय है, अलीबाबा एक और चाइनीज कंपनी उसका क्वेंट 2.5 है, मेटा फेसबुक वाली कंपनी उसका लामा मॉडल है, इन सब को अब डीपसीक से कंपेयर किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है। आर्टिफिशियल एनालिसिस के हिसाब से कोडिंग के मामले में सबसे ऊपर डीपसीक है, फिर ChatGPT और उसके बाद क्लॉड, फिर क्वेंट 2.5 और आखिर में लामा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे ऊपर डीपसीक, फिर ChatGPT, फिर क्वेंट 2.5। साइंटिफिक रीजनिंग और नॉलेज में सबसे ऊपर ChatGPT, फिर डीपसीक, फिर क्लॉड और आखिर में लामा। PC Mag ने जब AI चैटबॉट्स का टेस्ट किया तो इन्होंने पाया कि न्यूज नॉलेज के मामले में डीपसीक सबसे बेटर है, कैलकुलेशंस में ChatGPT और डीपसीक बराबर हैं, और पोएम लिखने में ChatGPT अच्छा है, टेबल बनाने में ChatGPT अच्छा है, लेकिन रिडल सॉल्व करने में डीपसीक अच्छा है। आर्टिफिशियल एनालिसिस की वेबसाइट ने क्वालिटी के मामले में O1 ChatGPT को 90 की रेटिंग दी है और डीपसीक R1 को 89 की, लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज डीपसीक का यहां पर है, इसका रिस्पॉन्स टाइम। इस ग्राफ को देखो, लेटेंसी का ग्राफ है, कितने सेकंड्स लगे सवाल पूछने के बाद जवाब आने में। O1 31.1 सेकंड्स का समय लेता है और डीपसीक 71.2 सेकंड्स का समय लेता है, और ये रिस्पांस टाइम एक्चुअली में और बढ़े जा रहा है रिसेंट डेज में, क्योंकि डीपसीक पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसे डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाह रहा है।
इसकी वजह से इनके सर्वर्स में प्रॉब्लम भी आ रही है, बिजी चलते हैं और इसकी वजह से और भी ज्यादा समय लेने लग जाता है ये अपने जवाब देने में। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब अगर चैट जीपीटी ओवन और डीपसीक को एक दूसरे से कंपेयर करें तो डीपसीक कई मायनों में और भी ज्यादा इनोवेटिव है ओवन के कंपैरिजन में। एक इसका उदाहरण हो सकता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मेथड। जब चैट जीपीटी ओवन से कुछ पूछा जाता है तो वो एक ही मॉडल की तरह काम करता है। आपका सवाल चाहे कोई भी हो, चैट जीपीटी ही आपके लिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है। लेकिन डीपसीक ने अपने आप को कई सारे स्पेशलाइज्ड मॉडल्स में डिवाइड कर रखा है। डीपसीक के अंदर इंजीनियर अलग है, डॉक्टर अलग है और लॉयर अलग है। आपके सवाल को देखकर सिर्फ इंजीनियर को बुलाया जाएगा या सिर्फ डॉक्टर को बुलाया जाएगा। इससे क्या हो रहा है, एक तो डेटा ट्रांसफर में जो टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है और दूसरा जितने पैरामीटर्स एक्टिव रखने पड़ रहे हैं एआई को वो भी कम हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मॉडल्स 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स को हमेशा एक्टिव रखते हैं। डीपसीक के पास अपने 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं लेकिन एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स ही एक्टिव रहते हैं। बाकी पैरामीटर्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर एक्टिव होते हैं। इससे इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा बढ़ रही है और कॉस्ट काफी ज्यादा कम आ रही है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक वीडियो काफी नहीं है, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन आप में से जिन लोगों ने मेरा मास्टर चैट जीपीटी का कोर्स ले रखा है, पहले दो थियोरेटिकल चैप्टर्स में मैंने इसकी डिटेल में बात करी है। वहीं पर मैंने टोकन्स और RLHF मेथड के बारे में भी समझाया है जिस पर चैट जीपीटी आधारित है। अब एक और पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म जो यहाँ पर डीपसीक के खिलाफ किया जा रहा है वो ये कि इन्होंने अपना सारा का सारा AI मॉडल ही OpenAI से चुराया है। OpenAI ने कहा कि उसको एविडेंस मिला है कि डीपसीक ने उसके प्रोप्राइटरी मॉडल्स को खुद को ट्रेन करने के लिए यूज किया है। इनका कहना है कि इन्होंने डिस्टिलेशन का एविडेंस देखा जिससे बड़े मॉडल्स का आउटपुट यूज करके छोटे AI मॉडल्स की परफॉर्मेंस बेटर की जा सकती है जिससे छोटे मॉडल्स कम कॉस्ट में सेम रिजल्ट दे सकते हैं। इस पर किसी ने ट्वीट करके कहा चोर के घर चोरी कर ली गई। असल में बात क्या है, क्योंकि कुछ सेंस में देखा जाए तो चैट जीपीटी ने खुद को बनाने के लिए पूरे इंटरनेट से चीजों को चुराया है। कई सारी किताबों का इस्तेमाल किया गया बिना राइटर्स की परमिशन के अपने मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए। यही कारण है कि 17 बड़े राइटर्स जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज आरआर मार्टिन भी शामिल थे, उन्होंने सितंबर 2023 में OpenAI पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर केस कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका के 8 अखबार और कनाडा के कई न्यूज आउटलेट्स ने भी OpenAI पर केस किए हुए हैं। यही कारण है कि ऐसे मीम्स बड़े वायरल हुए हैं जहां पर मछली की फिशिंग करी जा रही है और OpenAI फिशिंग करके अपनी बाल्टी में सामान रखता है और डीपसीक पीछे से आके उसी बाल्टी से फिशिंग करने लग जाता है। एज यूजर्स ये हमारे लिए अच्छी चीज है लेकिन कंट्री और कंपनी लेवल पर यहाँ पर अब AI वॉर्स छिड़ने लग रही है। 2022 में अमेरिकन सरकार ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया था ताकि AI के लिए जो कंप्यूटर चिप्स चाहिए उसका इस्तेमाल बाकी दूसरे देश ना कर पाए, स्पेशली चाइनीज AI कंपनीज ना कर पाए। इसमें NVIDIA की H100 चिप्स शामिल थी जिन्हें चाइनीज कंपनीज नहीं खरीद पाए। ये डीपसीक के लिए एक समस्या की बात थी क्योंकि उन्हें NVIDIA की पुरानी कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करना पड़ा अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी और देश उनके जैसे ये फाउंडेशनल AI मॉडल्स बना ही ना पाए क्योंकि उनके पास वो कंप्यूटर चिप्स ही नहीं होंगे जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए होंगे। लेकिन डीपसीक में काम करने वाले लोग इसलिए मजबूर हुए इनोवेशन करने पर। उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो बहुत कम रिसोर्सेज लेता है, बहुत कम पैसे पर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है। यही कारण है दोस्तों कि NVIDIA कंपनी के स्टॉक सबसे ज्यादा नीचे गिरे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले तक मेटा, OpenAI और गूगल जैसी कंपनीज यही कहे जा रही थी कि हमें AI को अगर और भी बड़े लेवल पर स्केल करना है तो उसके लिए हमें और चिप्स की जरूरत होगी, और एनर्जी और पैसे की जरूरत होगी। लेकिन डीपसीक ने ये सब करके दिखा दिया कम पैसे, कम एनर्जी और बेकार कंप्यूटर चिप्स का इस्तेमाल करके। हमें इसे मोटिवेशन की तरह देखना चाहिए। अगर चाइना में ये किया जा सकता है तो इंडिया में भी ये किया जा सकता है। इंडियंस में भी काबिलियत है इस तरीके के इनोवेशंस को करने की, बस हमें अपना फोकस और एनर्जी सही जगह पर लगाने की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर अब आप इस मौके का फायदा उठाइए अपने आप को AI की फील्ड में अपस्किल करने के लिए। आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लेट नहीं हुए हैं। यही सही समय है AI को सीखने का और अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने का AI के जरिए, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे आने वाले टाइम में वो पीछे छूट जाएंगे। ये इमेजिन करना मुश्किल है कि आने वाले समय में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया पर, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में AI का। मेरे AI कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, कूपन कोड इस्तेमाल करना मत भूलना Deep46% ऑफ पाने के लिए। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और AI के बारे में जानना चाहते हैं
तो इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बात करी है एआई वीडियोस की, कैसे 16 एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स दुनिया को बदल रहे हैं, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।